बाबे ने कहा कि बेटी तनु शाम के 4 बजे मैंने डेरे में बुलाया था और तो दिन के 12 बजे आएगी। कानी पनाथ ने कहा गुरु जी देखिए माई वाह नहीं आए हो कपड़े तुम्हें एक बच्चा जी कपड़े में ही तो माई भी वही आयो। अरे कानी पनाथ कोई बात नहीं इसने मैंने वरदान देने वास्ते कहा था इतने इसने 12 साल तपस्या मारी करी है ले बे बेटी ले वरदान ले जा फिर तवार क्या कहा। अरे कानी पनाथ ला झोली पकड़े दे मनु। कानी पनाथ ने झोली गुरु जी ने दी दोयो कुने झोली के गोरखनाथ ने पकड़ कर नीचा जाड़े और झोली माते दो ईश्वर जौ निकलाए। बाबे ने कहा ले बेटी एक फल नु फिराती भटक दी मांगे ले जा दो। ले बेटी तेरा 2 बच्चे पैदा होवांगे और 2 ईश्वर जौ ले जा और जिस दिन तेरा बच्चे पैदा हो जा नाम रखी उर्जन और सुरजन। ले भी सजनों ले का फल माई बाछल अपने महल में आएगी। अब शाम के 5 बज गए काछल का जाए बांधी जा दिया बाछल चंद्री के कपड़े। ले भी सजनों बाछल माई अपने महल में देख रही बांधी तक लेका नहीं आई कपड़े मेरे। ले भी दानियों बांधी 5 बच्चे ले कपड़े बाछल के पास पहुंच गई। ले रानी ए बाछल ले तेरी बहन ने कपड़े दिए। बाछल ने कहा ये बांदी जुल्म कर दिया ए जी जुल्म कर दिया ए जी नर्थ की कर दियो तो बांदी बात ए बांदी तने जुल्म कर दिया मनु 4 बजे बाबे के डेरे मा जाना था और मनु ऐसा लगा बेटी बांदी ए बांदी मनु ऐसा लगा बाबा आज मैनु वरदान नहीं देने का। अपनी बांदी नु कहने लगी ले बांदी मैं सेवा ही कपड़े पैका बाबे के डेरे मां जहूंगी और बच्चे का ले लूंगी बाबे पाते वरदान। ले सजनो क्या क्या माई बाछल अल्फी पैका अब बाबे के डेरे नु चली आ। अब कहानी बना कहने लगा गुरु जी ले वा देखी बैरी माई चली मैं ही कपड़े आ और माई वाही माई बाछला। बाबे गोरखनाथ ने कहा बेटे रे कानी पनाथ एक फैले तंबू लादो सलीता और डेरे का पहलो बही भीर मैंने रस्ते नो लियो बसिदे। ले भी सजनो अब किस तरह बाबा ठहका डेरा अब नौरक के बाग माते अब किस तरह खजली ब्रह्मा जगह तपा और माई बाछल का डेरे मा किस तरह नौरक के बाग बाबे ने देखा भाई पर कृष्ण जी ने एरी पंडिया ने पंडिया ने एरी पंडिया ने तो जाई हा जी बाई री दौड़े गुमा जी पर रंगे चिवा एरी चुना कर
माता तेरे री घंट गे बज गे ने तोरी बौन मां एरी तेरी दसी मरीरी जद देखा बाग के आएगी डेरे के बीच मां